हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबो इन्वेंटर्स। हम इस सीरीज के 8 लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम सर्वो मोटर के बारे में जानेंगे, इसके कनेक्शन और इसकी कोडिंग। देखिए, सर्वो मोटर जो होता है ना, वो दो तरीकों से चलता है, एक स्वीप मेथड से और एक नॉब मेथड से। आप सर्वो की जो लाइब्रेरी है उसमें देख पाएंगे कि सर्वो दो तरीके से चलता है, एक स्विप और एक नॉब। स्विप से डायरेक्ट कोडिंग से चलता है, नॉब से पोटेंशियोमीटर से चलता है। ठीक है, तो हम जैसे अभी आपके सामने जो सर्वो मोटर दिख रहा है, तो इसके 3 पिन होते हैं। इसमें कोई लिखे हुए नहीं होते कि पॉजिटिव निगेटिव डेटा पिन कहाँ होंगे, ये कलर कोड से चलता है। जैसे इसका ब्राउन वाला जो पिन होता है वो होता है ग्राउंड, रेड वाला जो पिन होता है वो होता है VCC, और जो ऑरेंज कलर का वायर होता है वो होता है डेटा पिन। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ऑरेंज वाला पिन है ये डेटा पिन है, जो रेड वाला पिन है वो 5 वोल्ट है, जो ग्राउंड पिन है वो ग्राउंड। ठीक है, तो हम कनेक्शन भी इसको ऐसे ही करेंगे। आप इस डिजिटल पिन का जो जो ये सर्वो मोटर का डिजिटल पिन है, इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी पिन पे आप लगा सकते हो। ठीक है, अभी हम नॉर्मल फॉर लूप से इस स्वीप मेथड सीखेंगे। अभी जो हम मेथड सीखेंगे वो होगा स्वीप मेथड। ठीक है, तो अब ये आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा, तो आपको मैं कोडिंग वाला पार्ट बताता हूँ इसका। कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वो की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सर्वो की लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड सर्वो डॉट एच, ये सर्वो की लाइब्रेरी है। कभी भी कोई लाइब्रेरी लगाते हैं तो उसके नाम से एक हम उसका एक नाम सेट करते हैं, जो हम अब करेंगे सर्वो। इसके जगह आप सर्वो छोटा भी ले सकते हैं, कोई सा भी नाम यहाँ ले सकते हैं आप सर्वो को नाम डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सर्वो की नाम हमने डिफाइन कर लिए, उसके बाद हम करेंगे void setup। अब void setup में हम ये चीज करेंगे कि हमने उसको किस पिन पे कनेक्ट किया है। तो आप देखें तो उसको हमने 9 पिन पे कनेक्ट किया है, डिजिटल 9 पे। तो हम कोडिंग में भी वही करेंगे, तो अब हम नाम लिखेंगे ये वाले। ठीक है, ये जो छोटा वाला सर्वो है ना, इसको लिखेंगे तो सर्वो डॉट AWTACH। अटैच का मतलब होता है पिन कहाँ कनेक्ट किया है, और हम अटैच किए हैं 9 पे, तो हम 9 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब जो सर्वो होता है ना, उसकी एंगल चलती है 0 से 180 डिग्री, 180 से 0, मतलब 0 से वो 180 जाएगा और 180 डिग्री से 0 आएगा। ठीक है, तो उसको हमें लिखने के लिए मैं पहले वर्ड लूप लिख देता हूँ। उसको लिखने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर लूप क्या करेगा, एक एक एंगल, जैसे 0 से स्टार्ट होगा तो 180 तक जा रहा है, तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा इंक्रीमेंट ऑर्डर अगर अपने को चाहिए तो आपको पता है फॉर लूप से ये हो जाता है। तो हम लिखेंगे फॉर लूप में इंट आई, आई को 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो सबसे मिनिमम एंगल है वो है 0, 0 से 180 तक जाना है, तो 0 आई, फिर आई इज ग्रेटर देन स्मॉल इक्वल्स टू 180, मतलब 180 तक मुझे जाना है। ठीक है, और इंक्रीमेंट कितने का करना है मुझे, मतलब एक एक डिग्री का इंक्रीमेंट करना है, तो मैं आई प्लस प्लस कर लूंगा। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, यही आई जो है हर बार चेंज हो रहा है, तो यही आई को हमें राइट करना पड़ेगा सर्वो में। तो मैं लिखूंगा सर्वो डॉट राइट ब्रैकेट में आई। तो ये जो आई है ये हर बार 1, 2, 3, 4 होगा तो राइट होते जाएगा और उतनी डिग्री का एंगल उसमें सर्वो में मूव होगा। ठीक है, आपको राइट हैंड साइड पे स्क्रीन में दिख रहा होगा सर्वो कैसे मूव हो रहा है। तो ये डिले लगाया मैंने, डिले में हम 50 दे देते हैं डिले। ठीक है, अब इसमें एक चीज है कि हमने क्या किया, 0 से 180 दिया है। ठीक है, एंगल तो ये क्या होगा, 0 से 180 तो तुरंत जाएगा,
जैसे कोड के हिसाब से, पर 180 से 0 एकदम से आएगा। तो उसको हमें क्या करना है, अगर दोनों साइड से एक जैसे चलाना है तो हम फॉर लूप को रिवर्स लगाएंगे, तो 180 से 0 भी वो इजली आएगा कोड के हिसाब से। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन एटी से स्टार्ट करेंगे, जीरो। समझ में आ रहा होगा कि 180 से मुझे 0 तक जाना है, ठीक है, और आई की वैल्यू इसमें माइनस होगी क्योंकि इसमें डिक्रीमेंट होगा। ये फॉर लूप का बेसिक है, सिंटेक्स है। आप फॉर लूप जानते होंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सर्वो डॉट राइट, अब इसमें भी हम आई करेंगे और इसमें भी हम डिले लगा देंगे 50 का। ठीक है, तो 0 से 180 स्कोर से चलेगा, 180 से 0 स्कोर से चलेगा। तो ये लूप वॉइड लूप में है, तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक आप इसमें कनेक्शन करके रखेंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको कहते हैं स्वीप मेथड। ये स्वीप, आपको स्वीप भी डालोगे या इसकी लाइब्रेरी भी आती है सर्वो की, उसमें भी स्वीप मेथड पे ही ये कोड चल रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वो मोटर को पोटेंशियोमीटर से चलाना सीखेंगे, जिसको कहते हैं नॉब मेथड। तो वो नॉब वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।